के पांच ओवर के मैच होंगे, एक ओवर पावर प्ले रहेगा। ये पांच ओवर का मुकाबला चलता हुआ दोनों के बीच। और जल्द से जल्द जो कि इस मैच के अंपायर हैं बसो और जो चंद्रशेखर बिराजदार जो बीजापुर के अंपायर है, आज सुबह से काफी मेहनत कर रहे हैं वो भी अंपायर। जल्द से जल्द दोनों ही अंपायर को कहते हैं कि जल्द से जल्द मैच को शुरू किया जाए, किसी बात का भी टाइम पास ना करें, क्योंकि दो मैच पूरे होना, दोनों ही मैच जल्द से जल्द पूरे होना। और बल्लेबाज जल्द से जल्द बल्लेबाज को भेजिए भाई, एस के भाई हाँ, दोनों ही टीम के बल्लेबाज भी रेडी है। और हमारे जो साथीदार हैं जो कि हमारे जो स्कोरर सुनील वो भी, और अनिल बजंत्री, और जो यूट्यूब के जो सुबह से यहाँ पर जो कैमरे बैठे हैं कंप्यूटर पर बैठे हैं उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कमेटी की तरफ से। दोनों ही टीम के खिलाड़ी ऑनलाइन स्कोर जो भी एक्स्ट्रा खिलाड़ी जो कि स्ट्राइक पर है, नॉन स्ट्राइक पर है हमारे स्कोरर जो सुनील जो कि इस वक्त मैदान पे, और स्ट्राइक पर है सागर जो कि हमारे साथीदार स्कोरर जो कि उनका मैच है अभी। यहाँ पर सुनील जो नॉन स्ट्राइक पर है, और स्ट्राइक पर है सागर, और गेंदबाजी के लिए सचिन जो कि अपना पहला ओवर लेकर, और मैच स्टार्ट होता हुआ पांच ओवर का मुकाबला। इस बीच बेहतरीन शॉट लगाते हुए देखते हैं, वहां पर फील्डर मौजूद है, जब तक कि काफी अच्छा प्रयास किया वहां पर फील्डिंग का, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं, जब तक कि अपने टीम के लिए दो रन बचाते हुए काफी अच्छी फील्डिंग करते हुए वहां पर इस दो रन के साथ टीम का खुलता हुआ। अपना खाता खोलते हुए दो रन पर और जल्द से जल्द मैच को शुरू किया जाए। उतनी अच्छी गेंद वहां पर पूरी तरह से बीट होते हुए सागर, कोई रन नहीं, अभी भी स्कोर वहीं रुका हुआ दो रन। चौहान दो रन पर खेल रहे हैं, अपना दो गेंदों का सामना किया उन्होंने और टीम का स्कोर भी दो, और उठाकर खेल दिया वहां पर। देखते हैं गेंद के नीचे फील्डर मौजूद है, कैच हो सकते हैं क्या नहीं, और कैच छूटता हुआ यहां पर एक रन पूरा किया, एक जूदान मिलता हुआ प्रमोद जो कि बेहतरीन कैच को लपक नहीं पाए, इस तरह से एक जूदान देते हुए वहां पर सागर को तीन रन पर जाकर न्यू चैलेंजर ने पहले टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। एसके बाईस को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। यहां पर सुनील जो कि हमारे स्कोरर सुनील अभी इस वक्त मौजूद, फिर उतना ही बेहतरीन शॉट लगाते हुए वहां पर देखते हैं फील्डर दौड़ रहे हैं गेंद के पीछे, और गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, यहां पर चार रन के लिए। जैसे ये सुनील चार रन की छाप लग चुकी थी, चार रन के साथ सुनील अपना खाता खोलते हुए अपने एक चौके की मदद से जा पहुंचे और टीम का बढ़ता स्कोर जा पहुंचा सात रन। पहला ओवर प्रगति को सभी दर्शकों को बता दूं कि ये चार ओवर का पांच ओवर का मुकाबला है, एक ओवर पावर प्ले रहेगा क्योंकि अभी टाइम होने की वजह से दोनों ही मैच पांच पांच ओवर के खिलाएंगे। यहाँ पर कमेटी का निर्णय, बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद गई वहां पर लेग स्लिप में, कोई रन नहीं, अभी भी स्कोर वहीं रुका हुआ सात रन बिना कोई नुकसान के। पहला ओवर प्रगति पर काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए फिर से सुनील, इतना ही बेहतरीन शॉट वहां पर ऑफसाइड की दिशा में लगाया हुआ, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ लेकिन किसी फील्डर पास कोई मौका नहीं, चार रन के लिए। सुनील के बल्ले से दूसरा चौका, सुनील दो चौके व्यक्ति का आठ रन पर जा पहुंचे।
फिर से 11 रन बिना कोई नुकसान के एक ओवर की समाप्ति के बाद, जो कि सागर अभी भी 3 रन पर खेल रहे हैं और सुनील 8 रन पर 2 चौके के मदद से जल्द अंपायर इस बात का ध्यान दे कि खास कर बसु और चंद्रशेखर बीजापुर के अंपायर जो है जल्द से जल्द टाइम पास ना करें, क्योंकि टाइम के वजह से 5 ओवर का मैच रखा गया है और अगला मैच भी 5 ओवर का खिलाना है, लेकिन उसमें ओवर कम नहीं कर सकते, इसके लिए दोनों मैच जल्द से जल्द खिलाए, हम पर ध्यान दे इसका, किसी बात का भी टाइम पास ना होने दे ग्राउंड पर। प्रकाश मोरे बॉलर। अब प्रकाश मोरे आए अपना कोटे का पहला और टीम का दूसरा ओवर लेकर, और वहां पर जो भी दर्शक हैं, कोई भी है, जो भी राइस अभी भी रेडी है वहां पर, राइस जाकर खा सकते हैं, गरम गरम बनाया हुआ है राइस, जो कि पुलाव, जो कि बटाटा वगैरह डालकर पुलाव और शेंगा सब डालकर बेहतरीन राइस बनाया है, जो भी दर्शक हैं वो भी जाकर खा सकते हैं और प्लेयर भी खा सकते हैं, सभी के लिए रखा गया है ये, उनका भी शुक्रिया कहता हूं कि प्रकाश उतना ही अच्छी गेंद, उमेश पाटिल सर वो भी ग्राउंड में आ चुके हैं कमेटी की तरफ से, उनका भी शुक्रिया अदा कहते हुए फिर से उतना ही बेहतरीन शॉट लगाते हुए वहां पर, और अंपायर का इशारा यहाँ पर 4 रन के लिए सागर के बल्ले से निकला हुआ ये पहला चौका सागर। बिना कोई विकेट को फिर से सागर उतना ही बेहतरीन शॉट देखते हैं, गेंद के नीचे फील्डर आ चुके हैं और बेहतरीन कैच लेते हुए इस तरह से सागर जो कि एक चौके की मदद से 7 रन बनाकर आउट होकर पहले रन आते हुए पहला विकेट गिरता हुआ यहां पर। और जल्द से जल्द बल्लेबाज और फील्डर सागर पांच ओवर का मुकाबला है, 15 रन एक विकेट के नुकसान पर अभी भी दूसरा ओवर प्रगति पर, लिखतम के बाहर जाती हुई गेंद वाइड करार गया, एक अतिरिक्त रन बढ़ता हुआ 16 पर जा पहुंचा स्कोर इसके 22 क्रिकेट क्लब का एक विकेट के नुकसान पर। अभी भी नॉट स्ट्राइक पर फिर से अगली गेंद सागर के लिए, उतना ही हल्का सा खेल दिया वहां पर जब तक कि फील्ड करे, एक रन दौड़ को पूरा किया, एक ही रन सुनील अभी स्ट्राइक पर आए, देखते हैं 2 चौके की मदद से 8 रन पर खेल रहे हैं, 3 गेंदों का उन्होंने सामना किया सुनील, और 16 रन 17 रन एक विकेट के नुकसान पर अभी भी दूसरा ओवर प्रगति पर, 5 ओवर का मुकाबला देखते हैं कितने का लक्ष्य रखते हैं एसके बॉयज, और इस बीच सुनील के बल्ले से निकला हुआ गेंद सीधे 6 रन के लिए, काफी धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए सुनील, सुनील जो कि एक छक्के 2 चौके की मदद से 14 रन पर खेल रहे हैं सुनील, और टीम का बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 23, एक एक्स्ट्रा बॉल दे वहां पर, और जहां भी दर्शक के पास बॉल गए भाई जल्द से जल्द बॉल को भेजे, क्योंकि इसके बाद अभी एक मुकाबला खेलना है, अंधेरा होगा, इसके लिए थोड़ा प्रेक्षक भी हमारा ध्यान दे कमेटी का, फिर से सुनील उठाकर खेल दिया, देखते हैं वहां पर गेंद जा रही है और काफी अच्छा प्रयास किया था वहां पर कैच का, लेकिन अंपायर का इशारा देखते हैं 4 रन और बम से 4 रन के लिए सुनील के बल्ले से निकला हुआ ओवर की समाप्ति होती हुई, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा 27 विकेट के नुकसान पर, 27 एक विकेट के नुकसान पर, 2 ओवर की समाप्ति के बाद सुनील जो की एक छक्के 3 चौके
मदद से पांच गेंदों में 8 रन पर खेल रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं सागर राठौड़ जो कि 1 रन बनाकर। और इसके बाद जो आखिरी मुकाबला होगा वो भी टॉस के लिए आए दोनों ही टीम के कप्तान डीजे प्रिंस और डीजे शिशि और चेक फ्रेंड शिशि इनके बीच ये मुकाबला है, आखिरी मुकाबला होगा इस टूर्नामेंट के आज के दिन का। फिर कल काफी बड़े मुकाबले देखने को मिलेंगे सभी दर्शकों को, क्वार्टर फाइनल्स, सेमीफाइनल्स, दो फाइनल्स, उसके बाद बख्शी समारंभ होगा। कल पूरा दिन भर काफी मनोरंजन, एक से एक मैच देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर वाइड करार दिया गया और 4 रन इस तरह से 22 के रूप में 5 रन आते हुए बिना कोई गेंद हुए 5 रन आते हुए इस 5 के रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 32। बॉलर सचिन जो कि अपना कोटे का पहला और टीम का लेकर और उतना ही बेहतरीन शॉट वहां पर सागर के द्वारा उतनी अच्छी फील्डिंग करते हुए वहां पर गौतम काफी अच्छी फील्डिंग करते हुए क्योंकि होम ग्राउंड गौतम का भी काफी प्लेयर्स यहाँ के इसी ग्राउंड के हैं। सुनील भी यहीं खेलते हैं, गौतम भी यहीं खेलते हैं, आज जितने भी बैट्समैन खेले हैं 5-6 के छोड़कर बाकी के सब इसी ग्राउंड पर खेलते हैं। फिर से वाइड 1 रन बढ़ता हुआ, इस 1 रन के साथ टीम का बढ़ता स्कोर जा पहुंचा 34, 34 रन 1 विकेट के नुकसान पर। उतना ही बेहतरीन शॉट वहां पर सुनील के बल्ले से निकला हुआ 1 रन के लिए, काफी अच्छी फील्डिंग वहां पर, इस 1 रन के साथ टीम का बढ़ता स्कोर जा पहुंचा 35। फिर से उतना ही बेहतरीन शॉट, देखते हैं गेंद के नीचे फील्डर आ रहे हैं, कैच हो सकता है और बेहतरीन कैच वहां पर कार्तिक जो कि बेहतरीन कैच लिए वहां पर जो कि जो कि हमारे कन्नड़ कमेंटेटर हमारे साथीदार इस वक्त मैदान पर मौजूद जो कि हमारे स्कोरर और फणेंद्र पत्तर दोनों ही इस वक्त मैदान पर मौजूद, देखते हैं। थैंक यू डीजे। और कल इससे बेहतरीन मुकाबले देखने को मिलेंगे क्योंकि सभी टीमों में नए नए प्लेयर देखने को मिलेंगे, नए चेहरे देखने को मिलेंगे, आइकॉन प्लेयर देखने को मिलेंगे। क्यों ना हो कल संडे का रोमांचक दिन होगा को क्योंकि 9 बजे से लेकर चलेगा मैच क्योंकि बेहतरीन मुकाबले चलेंगे। अब जो कि फणेंद्र जो कन्नड़ कमेंट्री करते हैं वो भी हैं और काफी अच्छी गेंद करते हुए डॉट गेंद काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं सचिन। फिर से बॉलिंग मार पर तैयार फणेंद्र को उतना ही बेहतरीन शॉट, देखते हैं वहां पर 1 रन के लिए जब तक फील्ड करे गेंद को 2 रन पूरे किए और तीसरे के लिए भी जो कि सचिन काफी अच्छे रनिंग लेते हुए अभी भी 19 रन पर खेल रहे हैं, एक छक्का 3 चौके की मदद से। सुनील उठाकर खेल दिया, देखते हैं यहाँ पर गेंद के नीचे फील्डर आ रहे हैं लेकिन आउट होकर पवेलियन जाते हुए। डीजे शिशि इनके बीच ये पर आखिरी मुकाबला इस टूर्नामेंट का आज के दिन का टॉस होने जा रहा है। चिदुगोड़ बिरादर जो कि बेहतरीन धुआंधार बल्लेबाजी की थी आज उनके हाथ से टॉस होगा। कैमरा यूट्यूब का रेडी है रे।
देखते हैं इस टूर्नामेंट का आज के दिन का आखिरी मुकाबला है, अभी थोड़ी देर में खेला जाएगा, वो भी 5 ओवर का ही मुकाबला रहेगा। जल्द से जल्द शुरू किया जाए भाई। स्कोर 38 है, 3 विकेट के नुकसान पर, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर 38 रन। अभी भी 12 गेंदे, 2 ओवर का खेल शेष, 5 ओवर का मुकाबला है। एक ओवर पावर प्ले रहेगा, इसके बाद जो मुकाबला होगा वो भी 5 ओवर का होगा। फ्रेंचाइजी ने टॉस जीत लिया है और बल्लेबाजी का फैसला किया है। और जल्द से जल्द डीजे शीशी अपने प्लेयर्स को तैयार रखे भाई फील्डिंग के लिए, क्योंकि काफी समय हो चुका है। डिसीजन मिल रहे नहीं है, उन्हें बोल रहे थे तो। अभी फ्रेंड शीशी ने टॉस जीत लिया है, डिसीजन अभी पेंडिंग है, देखते हैं क्या कहते हैं। इस बीच 1 रन के लिए यहाँ पर लेग बाय का इशारा, 1 रन लेग बाय के रूप में आता हुआ 1 रन, और टीम का बढ़ता स्कोर जा पहुंचा 39, 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 14 ओवर प्रगति पर, सचिन अपना दूसरा ओवर लेकर आए हैं। और उतनी अच्छी फील्डिंग, और यहाँ पर डायरेक्ट हिट होता तो कुछ कहा नहीं जा सकता था, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर फर्स्ट स्लिप में, और उतना ही अच्छा थ्रो, लेकिन फणेंदर 1 रन लेने में रोक नहीं पाए वहां पर। बेहतरीन रनिंग लेते हुए इस वक्त स्ट्राइक पर मौजूद है फणेंदर, और स्कोर जा पहुंचा 40, 3 विकेट के नुकसान पर। और उतना ही बेहतरीन शॉट वहां पर फणेंदर का, देखते हैं गेंद के नीचे फील्डर आ रहे हैं सचिन, और बेहतरीन कैच लेते हुए इस तरह से फणेंदर आउट होकर पवेलियन जाते हुए केवल 4 रन बनाए उन्होंने। अदा करने से उतना ही अच्छा फील्ड करे, 1 रन दौड़कर पूरा किया। इस 1 रन के साथ टीम का बढ़ता स्कोर जा पहुंचा 41, 41, 4 विकेट के नुकसान पर। क्वार्टर फाइनल्स होंगे, सेमीफाइनल्स होंगे, फाइनल्स होंगे, और आइकॉन प्लेयर भी काफी आएंगे कल, एक से एक मुकाबले देखने को मिलेंगे सभी दर्शकों को। संडे का दिन जो कि रोमांचक दिन होगा कल का, और कल फिर पुट्टू चिदुगोड़ जो कि बेहतरीन बल्लेबाजी की थी आज, उनका भी प्रदर्शन देखने को मिलेगा, और कई बाहर के प्लेयर रहेंगे। 1 रन दौड़कर पूरा किया, देखते हैं जब तक थोड़ा आया, 2रा रन भी लेते हुए जब तक फील्ड कर थ्रो आए, 2 रन पूरे किए। इस 2 रन के साथ टीम का बढ़ता स्कोर जा पहुंचा 43 रन। उतनी अच्छी गेंद वहां पर ऑफ स्टंप के बाहर जाती है, वाइड करार दिया गया है सातू, और उतना ही अच्छा शॉट वहां पर, देखते हैं फील्डर मौजूद है, और बेहतरीन कैच लेते हुए बल्लेबाजी के लिए आए हैं, उनका स्थान लेने के लिए भीम, देखते हैं। गौतम फिर से अपना 4था कैच कंप्लीट करते हुए, गौतम
हैट्रिक विकेट लेने वाले को, हैट्रिक चौके लगाने वाले को और हैट्रिक सिक्स लगाने वाले को एप्पल स्कूल इनके तरफ से प्रति मैच में आज से लेकर कल तक 201 रुपया इनाम रखा गया है। और बेहतरीन कैच लेते हुए गौतम, ये पांच आखिरी गेंद पर क्या करते हैं देखते हैं। गौ से चौका लगाते हैं या छक्का लगाते हैं या देखते हैं 45, अगर चौका लगाएंगे तो 50 का लक्ष्य रखेंगे। और एक ही रन यहां पर जब तक थ्रुआ है और स्कोर जा पहुंचा 46 सात विकेट के नुकसान पर। एसके बॉयज क्रिकेट क्लब का इस मैच को जीतने के लिए जाए 47 और जल्द से जल्द हम पर वही रहेंगे। जल्द से जल्द इसके बॉयज के प्लेयर जल्द से जल्द अपने फील्ड सजाए। भाई इसके बाद अभी एक मैच खेलाना है, वो भी 5 ओवर का मुकाबला होगा क्योंकि वो उसे कम नहीं करने आएगा। स्कोर चाहिए 47 का लक्ष्य रखा गया है। एमएच दौड़मनी इनके तरफ से गौतम को यहां पर 100 रुपये इनाम दिया गया है क्योंकि बेहतरीन पांचवा कैच जो कि रनिंग कैच लिए हैं उसके वो जल्द से जल्द आए यहां पर गौतम। एमएच दौड़मनी शिक्षक इनके तरफ से 100 रुपये इनाम दिया गया है। गौतम जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स तरफ आए, 100 रुपये ले जाए। और बल्लेबाज जल्द से जल्द बल्लेबाज भी आए, हाँ आ चुके हैं हम पर। जल्द से जल्द मैच को शुरू किया जाए और इस मैच के अंपायरिंग कर रहे हैं हमारे जो कि बस्सो और उनका साथ दे रहे हैं चंद्रशेखर जो कि बीजापुर के चंद्रशेखर बिराजदार जो बीजापुर के अंपायर हैं। अनुभवी अंपायर जो लेजर और यहाँ पर जो कि अगले 5 ओवर कमेंट्री करेंगे हमारे साथीदार, 2 ओवर करेंगे हमारे साथीदार जो कि नागो देशवंत। शिव तंडद मोदल ओवर तेगेदुकोंडु कार्तिक अवरिगे 47 रनगळ टार्गेट कादु नोडोण एट्टु ಹೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ
ಕಾರ್ತಿಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡ ಕಳೆದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹಾಗೂ ಆರ್ ಕೆ ತಂಡದ ಅನುಭವಿ ಕೌಂಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ರಾಘು ಕುಡಿಗಿನೂರ್ ಅಂಪೈರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ ಬರಾದರ್ ಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೊದಲ ಎಸೆತ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ನತ್ತ ಚಿಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರು ಎರಡು ರನ್ಗಳ ಪಡವಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಎರಡು ರನ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮೂರನೇ ರನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಟ ಯಶಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ರಾಘು ಅವರಿಂದ ಮೂರು ರನ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರನ್ನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದಂಥ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿಸಿ ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಬೇಗ ಡಿ ಜೆ ಸಿಸಿ ಅವರು ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ರನ್ ನೋವಾಲ್ ಸುನೀಲ ಚಾಲು ಮಾಡ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಎಸೆತ ಇಲ್ಲದೆ ನಾಲ್ಕು ರನ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಫ್ರೀಟ್ ಫ್ರೀಟ್ನ ಬಳಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ರಾಘು ಅವರು ಆದರೆ ಒಂದು ರನ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ರನ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಐದು ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ತಡಮನ್ನತ್ತ ಈ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮೊದಲ ಬೌಂಡ್ರಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಹೊಡೆತ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹೊಡೆತ ಆದರೆ ಹೊಡೆತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಎರಡು ರನ್ಗಳು ಎರಡು ರನ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಹನ್ನೊಂದು ಸದಾಶಿವ ತಮ್ಮ ಊರಿನ ಮುಂದಿನ ಎಸೆತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅನುಭವಿ ಸುನೀಲ್ ಅವರಿಂದ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಓಹೋ ನೇರವಾದ ಹೊಡೆತ ನೇರವಾಗಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಆಚೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ನೇರವಾದ ಹೊಡೆತ ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರರಿಲ್ಲ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತದ ಮುಖಾಂತರ ಮೊದಲ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಊರು ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಮತ್ತೆ ನೇರವಾದ ಹೊಡೆತ ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಲೀಪಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡಿ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕ 17 ರನ್ಗಳು ಬಾರಿಸಿ ಪೆವ್ನೆಲ್ನತ್ತ ತಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ
ಒಂದು ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 19. ಪವರ್ ಪ್ಲೇನ ಮುಕ್ತಾಯ ಇಲ್ಲಿ. ಗೌತಮ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಡನ್. ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 28 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಅನುಭವಿ ರಾಘು ಅವರು ನೋಡೋಣ ಈ ಒಂದು ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಬೀರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ತಂಡದ ಎರಡನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಜಲ್ದಿ ಆಡ್ಸರಿ ಬಸ್ಸು. ಯಾಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ರಾಘು ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಜು ಅವರಿಂದ 56ಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮಂಜು ಅಣ್ಣ ಅವರಿಂದ ಓಹೋ ಹೊಡಿತಾ ಇಲ್ಲಿ ರಾಘು ಅವರು. ನಾ ಅನ್ಕ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ, ಬೌಂಡ್ರಿ ಮುಖಾಂತರ ರನ್ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಮೊದಲ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ರೂಪಾಯಿ ಮಂಜು ಮಂಜು ಅವರಿಂದ. ಉತ್ತಮ ಬಾಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಓಹೋ ನೇರವಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ನತ್ತ ಸಿಕ್ಸರ್ ರಾಘು ಅವರಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ತಮ್ಮ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ. ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಈ ಒಂದು 6 ರನ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 29. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಗೆ ಆಪಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದಿನಿಂದ ನಾಳೆ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ 201 ರೂಪಾಯಿ. ಪ್ರತಿ 201 ರೂಪಾಯಿ ಆಪಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ವತಿಯಿಂದ. ಓಹೋ ನಾನು ಸೆರೆದೊಡೆದ್ರೆ ನಾನು ಸೆರೆದಾಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಬೀರು ಅವರು. ಉತ್ತಮ ಬಾಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಭೀಮ್ ಅವರಿಂದ. ಹೊಡೆತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ಟಂಪಿನ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನೇರವಾಗಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಘು ಅವರು ಬೌಂಡ್ರಿ ಆಚೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ರನ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ. ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ 3ನೇ ಓವರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಾಗರ್ ಚವಾಣ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಎಸೆತ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿ. ಪ್ರಮೋದ್ ಅವರು ಪ್ರಮೋದ್ ವಸ್ತ್ರದ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸುನಿಲ್ ಅವರಿಂದ. ಏನು ತೆರೆಯದೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಅವರು ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭವಾಗಲಿ. ನಾಳೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂತ
ಎಲ್ಲಾ ಕಮಿಟಿ ಬ್ಯಾಟ್ಮನ್ ಸಚಿನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಲ್ದಿ ಬೇರೆ ಒಳಗ ಹದಿನೇಳು ಎಷ್ಟ ಹದಿನಾಲ್ಕು ರನ್ಗಳು ರಿವರ್ಶಿಪ್ ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವಿಫಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಚಿನ್ ಅವರಿಂದ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತಗಾರ ಉತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗರ್ ಚವಾಣ್ ಅವರಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಶಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಹೋ ಬೈಟಿನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಅವರಿಗೆ ವೇಟ್ ವೇಟ್ ಆಯ್ತ್ರಿ ಹಾ ಡನ್ ನೇರವಾದ ಹೊಡೆತ ಸುನಿಲ್ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಕಣ್ಗಳ ಆಟಗಾರ ರಾಘು ಅವರಿಂದ ಉತ್ತಮ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಂತರ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 36-38 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 9 ರನ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಲ್ದಿ ಆಡ್ಸರಿ ಬಸ್ಸು ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಣ್ಣ ಕುರ್ಚಿ ಯಾರು ವಯ್ಯರು ನೀವು ಮಂಟಪದವ್ರು ಏನ್ರಿ ಯಾರಿಗ್ಯಾರು ಮಾರಿ ತೋರಿಸೋರು ಅಲ್ಲಿ ಆ ರಾಘು ಅವರ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಂಪೈರ್ಗಳ ಚರ್ಚೆ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಡೆಡ್ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಡೆಡ್ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ 1 ರನ್ಗಳು ಓಹೋ ರಾಘು ಅವರು 11 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 8 ರನ್ಗಳು ನೋಡೋಣ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಅವರ ಕೈಯಾರೆ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇದೆ ನೇರವಾದ ಹೊಡೆತಿನ ಆಟಗಾರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಓ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಆಚೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಜೆ 4 ರನ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ತಂಡ ಮೊತ್ತ 43 4 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಘು ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ 19 ರನ್ಗಳು ನಕಲ್ ಗೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೇರವಾಗಿ ತಡ್ಮೆನ್ ಅಂತ ಚಿಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಜೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಲ್ದಿ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್, ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಲೈಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್. ಬ್ಯಾಟ್ಮನ್ಸ್ಗಳು ಹಂಗೆ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸಿ ಸಿ ಒಳಗೆ.